गई और घर आ गई है। हाँ वो कहते हैं ना कि हार के आगे जीत है और डर के आगे जीत है। तो देखो डर के, अभी इतना सिर पे चोट लगी है कि मैं सब भूल चुकी हूँ, डर के आगे जीत है। बोला था घुटने में टकराव ज्यादा। अच्छा ठीक है, डर के आगे जीत है। सो फाइनली हम घर पहुंच गए हैं तो बहुत ज़्यादा खुश है और वेलकम बहुत अच्छी तरह किया गया। हाँ सब इतने खुश हैं मुझे घर देखकर, अब ये नहीं पता कि कितने लोग खुश हैं एक्चुअली में। फूल वूल बरसा रहे हैं तो लग रहा है कि हाँ एवरीवन इज़ हैप्पी। आर्यन चिल्लाना मतलब सफल हुआ आपका हॉस्पिटल में, बचा के आके लेकर आई गए। हाँ डर के आगे जीत है, रात के आगे सुबह है, कुछ भी कह लो। तो फाइनली फाइनली जिस चीज़ का इंतज़ार आर्यन और साची इतने 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 दिनों से कर रहे थे, जिसके लिए उन्होंने इतनी सारी कोशिश की थी, इनफैक्ट एक दूसरे से अलग रहे थे, वो चीज़ आज सफल हुई है। तो ये जीत आर्यन साची की हुई है। तो लग रहा है सारे जो प्रॉब्लम्स थे वो अब सब हट चुके हैं। हाँ प्रॉब्लम्स तो वैसे भी आई थिंक जो आर्यन साची की ज़िंदगी में थे वो तो शायद ख़त्म हो ही चुके हैं। बट ज़िंदगी कैसी होती है यार, एक दरवाज़ा खुलता है तो दूसरा, सॉरी एक दरवाज़ा बंद होता है तो दूसरा खुलता है। और वैसे ही कोई ना कोई प्रॉब्लम तो आती ही रहती है हर किसी की ज़िंदगी में। कुछ वक्त हम खुश रहते हैं, फिर कोई प्रॉब्लम आती है, फिर हम उसे सॉल्व करते हैं, फिर वापस खुशी के पल बिताते हैं। तो बस आई थिंक ये अप्स एंड डाउन ज़िंदगी में चलते रहेंगे और यही है जो हमारी लाइफ को इंटरेस्टिंग बनाता है। हाँ उनको सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि हाँ मैं हॉस्पिटल में हूँ, बट आपको पता है कि अब मेरे साथ मेरा आर्यन है, वो मुझे कुछ नहीं होने देगा और इसका प्यार मुझे कुछ नहीं होने देगा। तो आपको पता है प्यार तो मतलब यमराज से भी खींच के वापस ले आया। हाँ सती ने सत्यवान को वापस लाया था तो आर्यन साची को वापस ला ही सकता है। मैसेज जो फैंस को देना चाहिए, फैंस को हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि थैंक यू सो मच, आप हमें इतना सारा प्यार करते हैं कि हम बता भी नहीं सकते। और ऐसे ही बहुत सारा प्यार करते रहिए और टीवी पे रेगुलर सोनी टीवी पे HD पे नहीं हमारा शो देखते रहिए 8:30 PM। और यस हम आपको एंटरटेन करें और आपको अच्छे अच्छे आर्ची मोमेंट्स भी मिलेंगे और सब कुछ अच्छा देखने को मिलेगा।